मध्य प्रदेश के धार एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार का गनमैन करण सिंह खुद की रिवॉल्वर से गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार देने के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार एडिशनल एसपी का अंगरक्षक अपनी पत्नी के परीक्षा दिलवाने के लिए गंधवानी गया हुआ था। इसी दौरान रास्ते में उसकी लोडेड गन से गोली चल गई, जिससे उसका पैर जख्मी हो गया। घटना की वजह खराब सड़क बताई जा रही है। स्पीड ब्रेकर पर अचानक गन फायर हो गया और इसमें एडिशनल एसपी का अंगरक्षक करण घायल हो गया। वैसे अचानक से चली इस गोली की बात अधिकारियों को अटक रही है, क्योंकि इस प्रकार से कभी गोली चली नहीं, परंतु फिर भी प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें अचानक से गोली चलने की बात सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद क्या कुछ स्पष्ट हो पाता है। धार जिला हॉस्पिटल में घायल करण को देखने के लिए एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार भी पहुंचे। प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर अवस्था में घायल करण को इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां उसका ऑपरेशन होगा। वहीं गोली अभी भी करण के पैर में फंसी हुई है। धार से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। हाँ, आपके आइडल है पूरा ये बता रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, अपने गनमैन की पोजीशन पे, इनके जेब में गन थी, लोडेड थी, ड्यूरिंग बाइक पे थे, तो बता रहे कि कोई टेपर आया उसमें फायर हो गया, जेब में रखी। कितने लोगों को बस गन से? तो उनको खुद को सेल्फ इंजरी है, बाकी पीछे दो लोग और बैठे थे, तो एक लड़का है उसको गिरने की वजह से, बाइक से गिर गया, इतना हुआ तो उसको बाइक से गिरने की वजह से चोट लगी। क्या स्थिति है उसकी? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है, पैर दूसरी तरफ है ना सर। क्या स्थिति है पेशेंट की? पेशेंट की हालत अभी अच्छी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई चोट ज़्यादा लग सकती है, तो अभी अपने को गन जो होना चाहिए बुलेट वो एग्जिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं बुलेट अंदर ही पैर में, तो अपने पास एक ये दिक्कत है। सॉफ्ट टिश्यू में कहीं पे इंजरी है, तो अपन बेटर है कि उसको डिजिटली उसके जो पैर में अपने को पल्स मिल नहीं रही, तो ऐसा ना हो कि अंदर कोई आर्टी वगैरह पड़ गई। तो एक क्या है, इसको इंदौर रेफर कर रहे हैं या क्या है? इंदौर इसको अपन रेफर करेंगे, डॉक्टर के ऊपर जांच चाह रहे हैं कि एक डॉक्टर हो जाए, ऐसा ना हो कि पैर में कोई दिक्कत है। आपका नाम बता? डॉक्टर हेमंत नरका। मामला जो अभी आप देख रहे हैं, जो अभी तक प्राप्त जानकारी है और 108 के जो स्टाफ है उनसे भी जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार ये है कि करण नामक आरक्षक है ज्योतिष बटालियन का, ये अपनी पत्नी को परीक्षा दिलवाने के लिए मनावर गया था। लौटते वक्त जीरावाद के आसपास कहीं स्पीड ब्रेकर पे जो जानकारी बताया, रंबल स्ट्रीट के आसपास इसके जेब में तो पिस्टल रखी हुई थी, उससे गोली चलने के कारण लेफ्ट पैर में जान के ऊपर इसको चोट आई। वहाँ पर जो राहगीर और बाकी आसपास के लोग थे, उन्होंने इसको गनवानी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, वहाँ से रेफर होकर यहाँ धार आया। अभी चूँकि उसके पैर में लगी हुई है और ब्लीडिंग काफ़ी हो रही है, तो उसको तुरंत यहाँ से इंदौर हॉस्पिटल इलाज के लिए रेफर किया गया। सर आपका गन में नहीं है? हाँ, ये गन में है सर। वो रिवाल्वर जब्त? नहीं, अब तो जाँच में सब चीज़ें होगी, बाकी अभी पता कर रहे हैं क्या हुआ है। सर दूसरे लड़के को भी लगी है तो बता जा रहा है कि उसको भी कुछ लगे? उसके पैर में, साथ में एक और लड़का था राकेश नाम, उसके पैर के अंदर चोट लगी, फिर तो नॉर्मल है। सर बाइक गिरने से लगी क्या उसको? ये सब जांच की बात है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।